हम लोग पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इस कारण से वो किसी भी साम दाम दंड भेद के माध्यम से वो सरकार गिराने में लगे थे और उसमें वो उनको सफलता मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जश्न मनाने की क्या ज़रूरत है भाई? जो शिवसेना के लोग भागे हुए थे और उसके कारण से उसको मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो भाजपा अब भाजपा का असली चेहरा अब सामने आया कि वो क्या क्या उन्होंने खेल खेला, उसके उसका असर क्या हुआ और रिजल्ट क्या आया। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर लगी हुई है कि विपक्ष की सरकार को गिराने में और उसमें महाराष्ट्र में उसको सफलता मिली। मैं नहीं समझता कि प्रजातंत्र के लिए उचित है। देखिए, यदि कोई विधायक नाराज हो, कोई गुट नाराज हो और उसके बाद उसमें बदलाव हो तो समझ आता है, लेकिन जहां उद्देश्य से कि सरकार को गिराना है और उसके लिए घेराबंदी करे, बाड़ा बंदी करे, विधायकों खरीद फरोख्त करे, चाहे वो राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, गोवा की बात हो, कर्नाटक की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे अब महाराष्ट्र में, तो लगातार ये लोग कर ही रहे थे। सब उसके मंत्री विधायक गली कूचे में घूम घूम के और धर पकड़ कर ही रहे थे, तो ये उचित तो नहीं है। अभी मंडियों के अध्यक्ष और उसके सदस्य मनोनीत किए गए हैं और मैं समझता हूँ इससे मंडियों के संचालन में और किसानों को इसका लाभ होगा। देखिए, उसकी जितना निंदा किया कम है और इस प्रकार के घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक उन्माद में इस प्रकार से कोई घटना करे उसे तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको लगा कि इसमें कुछ और संगठनों का हाथ हो सकता है, विदेश का भी हाथ हो सकता है, जैसे उनको इनपुट मिला, तुरंत उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखकर उसे एनआई को जांच करने के लिए एनआईए को जांच करने के लिए सपोर्ट किया। तो ये अभी जांच के विषय है, लेकिन अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है।